फाटक नहीं होने की वजह से मालगाड़ी ने कार को मारी टक्कर, महिला समेत 3 घायल। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में से रूपबास गोल चक्कर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने की वजह से एक कार मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई। इसकी वजह से स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार एक महिला और एक 15 साल की किशोर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि जिस रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ है, ये ट्रैक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के थर्मल पावर में कोयला पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज जब एनटीपीसी की तरफ से मालगाड़ी ट्रेन दादरी रेलवे जंक्शन की तरफ जा रही थी, उसी समय ग्राम खेड़ी तरफ से रूपबास गोल चक्कर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर एक स्विफ्ट कार इससे टकरा गई। इस कार को 55 वर्षीय देशराज प्रधान चला रहे थे। कार में उनकी पत्नी और उनका 15 साल का बेटा सवार था। रूपबास गोल चक्कर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने की वजह से उन्होंने अपनी स्विफ्ट कार निकालने की कोशिश की, उसी दौरान एनटीपीसी की तरफ से आ रही मालगाड़ी ट्रेन के चपेट में आ गई, जिससे स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए और तीनों घायल हो गए। तीनों को घायल अवस्था में मोहन स्वरूप अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर तीनों की हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने मानव रहित रेलवे फाटक खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन ये चूक मेन लाइन का मामला नहीं है, इस वजह से ऐसा हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।